हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा घर लौटे हैं। जब वो घर लौट रहे थे, मीडिया वालों से मुखातिब भी हुए। इस दौरान टीना आहूजा, उनकी बेटी, फूट फूट कर रोती नजर आई थी। गोविंदा फैंस का शुक्रिया करते नजर आए, चाहने वालों का, डॉक्टर का, सभी ने जिस तरह से उनके लिए दुआएं की और उनकी मदद की, उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा, ईश्वर का शुक्रिया अदा है। 4:45 से लेकर 5 के आसपास सुबह 1 अक्टूबर की तारीख को यह घटना गोविंदा के घर पर थी हुई थी। कोलकाता के लिए तैयार हो रहे थे गोविंदा। इससे पहले रिवॉल्वर वो साफ कर रहे थे, तभी रिवॉल्वर अनलॉक होने के कारण गोली चल गई थी अनजाने में, और उनके पैर पर चली इस गोली के कारण उन्हें ना सिर्फ झटका लगा बल्कि सीधा आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया था। गोविंदा की हालत देखकर उनकी बेटी काफ़ी सहम गई थी। बेटी रोती हुई नजर आई थी। क्रिटी केयर हॉस्पिटल से जब गोविंदा निकले तो उनकी बेटी को रोते हुए देखा गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव श्रुति रिपोर्ट।